गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने अपने थर्ड लेसन मात्राएं बिंदु चंद्र बिंदु में क्या क्या पढ़ लिए, मात्राएं पढ़ लिए। और क्या मात्रा में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ए तक हो गया है हम लोगों का। आज हम लोग चलेंगे क्या, ओ और ओ में। ठीक है, तो ओ में क्या है, अ पे देखिए, ये मात्रा एक डंडी वाली मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ। अब इसको, इस मात्रा को व्यंजन के साथ जोड़ के देखते हैं कैसे बनता है, शब्द कैसे बनेगा। देखिए, त देखिए क्या हो गया, तोता। देखिए मात्रा कहाँ लग गई, त ता था। ता पे कौन सी मात्रा है, आ की। और ये ता पे कौन सी मात्रा लगाई हमने, ओ की, तोता। अब दूसरा देखिए, ये देखिए, ख र ग और स। अब ये देखिए कौन सा शब्द है, खरगस। खरगस कोई शब्द बन रहा है क्या, कुछ इसकी मीनिंग निकल रही है, नहीं। अब इस पे अगर हम लोग ओ की मात्रा लगाते हैं तो देखिए कौन सा शब्द बन जाता है, तो कहाँ लगाएंगे, ग के पास। कहाँ लगाएंगे, ग के पास। तो कौन सी मात्रा बनी, देखिए ओ की मात्रा लगाने से क्या शब्द बन गया, खरगोश। क्या बन गया, खरगोश। ठीक है, अब आएंगे ओ की मात्रा पे। अब ओ की मात्रा देखिए, इसमें क्या है, ऊपर दो मात्राएं लगानी है। क्या लगानी है, दो मात्राएं। देखिए ल क, क पे क्या लगाए हम लोग, बड़ी की। बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगती है, बार बार इसको समझा दे रहे हैं देखिए आप लोगों को। तो ल क, क पे बड़ी की मात्रा की, तो लकी कुछ बना क्या, ये तो क्या हो गया, किसी का नाम हो गया ना। अगर हम इसको सब्जी का रूप देंगे तो क्या मात्रा लगा सकते हैं, इसी अक्षर से हम लोग क्या बना सकते हैं, इसकी सब्जी का भी बन सकती है। तो क्या अपन लगाएंगे इस पे, ओ की मात्रा। क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा। तो क्या बन गया, लौकी। क्या बन गया, लौकी। अब देखिए ये क्या है, च रा हा। क्या है, चराहा। तो चराहा से कोई शब्द बन रहा है क्या, नहीं। क्या बन रहा, तब क्या करेंगे इस पे, इस पे भी ओ की मात्रा लगाएंगे। आप बताइए क्या बन गया, चौराहा। चौराहा मीन्स मेन रास्ता, मार्केट के बीच। चौराहा मीन्स जहाँ पे चार रास्ते आकर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चौराहा। ठीक है, अब ये हो गया ओ, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है, अब आपको पूरी मात्रा है अच्छे से समझा दी है। अब आगे 10 खड़ी आपको होमवर्क दिया गया था, इसको आप लोग फिनिश कर लिए होंगे। और जो नीचे प फ ब दिया गया, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। अब देखिए अपने एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज फर्स्ट पे देखिए क्या है आपका, एक हमें एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इसको फिर इसी हिसाब से आप लोग इसको करके लाएंगे। क धन, ओ की मात्रा धन न, तो बराबर क्या हो गया, कहाँ ये मिलाएंगे, ये मात्रा कहाँ लगाएंगे, क पे ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे, क पे। तो क्या हो जाएगा, कौन। क्या हो जाएगा, कौन। दूसरा देखिए, अब ये अलग अलग करके दिया गया, जैसे हम यहाँ बताए थे आपको, वहां एक्सरसाइज में क्या किया गया, अलग अलग करके दिया। ल धन, ओ की मात्रा धन, क, क पे कौन सी मात्रा थी, कौन सी मात्रा थी, बड़ी की। कौन सी मात्रा थी, बड़ी की। अब ये सब निकाल के जब हम लोग बनाएंगे शब्द, क्या बन जाएगा हमारा शब्द, क्या बन जाएगा, लौकी। क्या बन जाएगा, लौकी। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज दिया गया है, उसको आप पूरा अच्छे से फिनिश करेंगे। क धन, ओ धन, य धन, ल, क्या हो जाएगा, कोयल। त धन, ओ धन, त धन, आ, क्या हो जाएगा, तोता। अब सेकंड वन देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरा करिए।
डैश पर फल लगे हैं तो क्या होगा, पेड़ पर फल लगे हैं। दूसरा क्या है, माता ने डैश लगाया तो क्या लगाया, पौधा। थर्ड वन दिया है आपको, डैश में पानी भरा है तो बोतल। फोर्थ वन देखिए, राम डैश पीता है तो क्या है, दूध। फिफ्थ वन देखिए, डैश डैश जीत गया तो कौन जीत गया, कछुआ। ऐसे ही मिले छिपे पशु पक्षियों के नाम भी ढूंढ कर लिखना है। ये पजल दिया है हमने, इस पे नाम सबका लिख दिया है। इसको देख के आप लोग ये पूरा क्लास वर्क में अच्छे से फिनिश करेंगे, और ये जो पफ आया वो होमवर्क में। ओके बाय।